कोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम दिन, मतगणना सुबह से ही जोरों शोरों से चल रही है लगातार। आपको बता दें 543 पूरी की पूरी सीटों पर मतगणना कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है और इन 543 सीटों पर आपको बता दें लगातार या तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए बढ़त बना रहे या फिर इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाता चल रहा है। मौजूदा स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि मौजूदा स्थिति के अनुसार 294 सीटों पर एनडीए है और वही 230 से 233 सीटों के बीच में इस वक्त इंडिया गठबंधन है। लेकिन आपको बता दें इस पूरे आंकड़े में और कहीं ना कहीं सुबह से जो समीकरण बना हुआ है, समीकरण के अनुसार कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कमजोर होता दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कमजोर होने का कारण बहुत अन्य आप देखें कई प्रकार के कारण इसमें माने जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, इन मौजूदा स्थिति के अनुसार समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है उत्तर प्रदेश में। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो इस समय मात्र 30 सीटों पर है और जो बाकी सीटें हैं वो अन्य के पास, अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन यही मौजूदा स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो आपको बता दें सबसे ज्यादा एक तरह से जो ध्यान केंद्रित करने वाली सीट है वो सीट है उत्तर प्रदेश की कुशीनगर की सीट। वही कुशीनगर की सीट जिस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है और स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरह से उस सीट से हारते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें सुबह सुबह के जब पहले रुझान सामने आए थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से जीतते दिखाई दिए थे, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य चौथे स्थान पर है। समाजवादी पार्टी और बसपा के जो नेता है वो कहीं ना कहीं कुशीनगर से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बसपा उत्तर प्रदेश में इस वक्त आपको बता दें मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से भी जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी लगातार एक किस्म का दबदबा बना हुआ है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का भी सूपड़ा साफ होता धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। और उसका कारण दो भाइयों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी वो बड़ी वजह है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हार से कहीं ना कहीं विपक्षी खेमा भी बौखलाया हुआ है और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी में भी बौखलाहट बढ़ चुकी है। लेकिन वहीं इसी बीच सूत्रों के हवाले से भी एक खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद जो नगीना की सीट से जीत दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से देर शाम मिलने जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में गठबंधन की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी आज इस लोकसभा चुनाव के बाद कल से जो समीकरण अब बने उस समीकरण में कहीं ना कहीं आजाद की मौर्य के साथ एक गठबंधन की स्थिति देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब देखना ही है कि उत्तर प्रदेश का समीकरण आखिर कैसे बदलता है, उत्तर प्रदेश में आखिर कौन जीत दर्ज करता है, किसकी पार्टी आती है और देश में आखिर किसकी सरकार बनती दिखाई देती है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।